नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के बारे में। ये क्या होता है, इसके फिनोमिना के कारण से क्या इफ़ेक्ट होते हैं। आपने कई बार ट्रांसफार्मर के पास से गए होंगे तो हमिंग की नॉइज़ सुनी होगी। हमिंग की नॉइज़ आपने सुनी होगी, हूँ करके आवाज़ आती है ट्रांसफार्मर के अंदर से। वो क्यों आती है, उसका रीज़न आपको मैग्नेटो स्ट्रिक्शन से पता चल जाएगा। आइए समझते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन क्या है। ठीक है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन एक प्रॉपर्टी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनकी जो परमिबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन वन होती है। म्यू जो होता है ना, म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी, वो ग्रेटर देन वन होती है। इसके कारण से उनकी जो मैग्नेटिक डोमेन्स बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। इसलिए हम इनको मोस्टली जितनी हमारी मशीनरीज हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वर्क करती है उनके अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। अब क्या होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण, क्या होता है जब चेंज होता है हमारी शेप और डायमेंशन, जब चेंज हो जाता है किसी भी डिवाइस का मैग्नेटाइजेशन के कारण। मतलब आज हमारे पास में हमारी कोर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की कोर मान के चल ली हमने। अब उस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, वो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के कारण से उसकी जो डायमेंशन है अगर वो चेंज हो जाती है तो उसको कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये पहली बार है ना, कब देखा गया था, जेम्स जूल ने 1842 में ऑब्जर्व किया था एक आयरन के पीसीस के ऊपर, जब उसने उसके अंदर लॉसेस देखे। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमारे आवाज में चेंजेस होते हैं तो अब जब इतनी स्पीडली चेंजेस होते हैं ना जब ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर, तो क्या होता है उसमें आवाज़ प्रोड्यूस होती है। आवाज़ मतलब आपने हमिंग नॉइज़ सुनी होगी ना, वो उसके अंदर क्या होता है, डायमेंशन चेंज होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। इसके कारण से वो हमिंग वाली आवाज़ होती है, वो हिलता है। इसी का जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का अपोजिट है कि जब आप आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को चेंज करेंगे तो डिवाइस की जो मैग्नेटिक मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ेगा और उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं विलरी इफेक्ट। ठीक है, अब इसी चीज़ के ऊपर मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है, इसको पूरा समझा देता हूँ मैं आपको, इसको एक्सप्लेन कर रखा है हमने, ये इसमें समझ लीजिएगा। इंटरनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव ए स्ट्रक्चर दैट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स, मतलब सारे डिवाइडेड डोमेन्स होते हैं, ईच ऑफ विच इज़ अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक पोलराइजेशन। सारे के सारे जो हैं वो रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक पोलराइजेशन, मतलब यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज पोलराइज रहते हैं। पर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो इसके अंदर मैग्नेटिक जो डोमेन्स होंगे वो शिफ्ट होंगे, रोटेट होंगे। तो ये दोनों रोटेट होना और शिफ्ट होने के कारण से जो मटेरियल के होते हैं डायमेंशन चेंज होते हैं। अंदर के जब डोमेन्स जब शिफ्ट होते हैं, इधर उधर हिलते हैं, तो डायमेंशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ये 10^-4 या 10^-6 लेवल तक का होता है, इतना ज़्यादा मतलब ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा डायमेंशन चेंज होता है। 10^-6 ऑर्डर का ये डायमेंशन चेंज होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे मैग्नेटिक हमिंग प्रोड्यूस होती है और कैसे इसका इफ़ेक्ट होता है। थैंक यू।